हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। दोस्तों, आज मैं अपने इस एपिसोड में आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे आप करें ये दिखाने जा रही हूँ, और उसके लिए आपको नाप की ज़रूरत होगी। तो वो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि आप कैसे किस तरह से बने हुए ब्लाउज़ से नाप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप बॉडी मेज़र भी कर सकते हैं। तो आपके पास नाप तैयार होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मैं जो ब्लाउज़ काट रही हूँ उसकी तैयार नाप ये है जो मैंने लिख रखी है। ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके अलावा अस्तर का कपड़ा जो 1 मीटर से थोड़ा कम है, लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास है, और ये शिफॉन का कपड़ा है क्योंकि इसमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, हल्का कपड़ा है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये मेरी जो मुझे कटिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग ये नाप लिखी हुई है। लेंथ हमें 15.5 चाहिए, चेस्ट इसमें 44 है। इसमें हम लूजिंग डालेंगे, वो मैं कटिंग के टाइम बताऊंगी आपको। डार्ट जो आ रहा है हमारा, जो शोल्डर से लेते हैं, वो आ रहा है 9.5 इंच पर, और वेस्ट है 35 इंच। नेक फ्रंट का है 7.5 और बैक का है 8.25। और उसके अलावा ये स्लीव्स मेजरमेंट्स हैं, जो आर्म होल है, आर्म होल का डेप्थ होता है वो है 8 इंच, और लेंथ है स्लीव्स की 5.5 इंच, और जो उसकी गोलाई होती है स्लीव्स की, मोहरी कह सकते हैं, जो उसकी राउंडनेस होती है वो है 7.25 इंच। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अस्तर का जो कपड़ा है इस तरह से डबल करके बिछाया हुआ है। खुला हिस्सा मेरी तरफ है, बंद हिस्सा इधर है। तो सबसे पहले हम इसमें एक मार्जिन निकाल देते हैं। कपड़ा थोड़ा टेढ़ा है तो हल्की सी इसमें एक मार्जिन की लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और अब जो भी निशान लगाएंगे हम इस निशान से ऊपर करके लगाएंगे। तो जो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है वो है तैयार 15.5 इंच, उसमें हमें 2 इंच प्लस करने हैं। 0.5 इंच ऊपर हमें सिलाई के लिए देना है और 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए। तो 15.5 इंच तैयार है, उसमें 2 इंच प्लस करने पर हो जाता है 17.5 इंच। तो हम 17.5 इंच पर इस तरीके से मेज़र करेंगे और निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो 17.5 इंच पे हमने ये निशान ले लिया है। और अब हम, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो जो नाप लिया है हमने, एक हमने यहाँ पे मार्जिन लाइन ली किनारी पर, और उसके बाद यहाँ पर हमने ये 17.5 इंच पे मार्क ले लिया है। इस मार्क को अब हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम अपने निशान लगाने शुरू करेंगे। तो ये है, इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे। नीचे हमें 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए चाहिए, तो 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसे भी हम सीधा कर देंगे। तो अब हमारे पास ये 16 इंच बचता है, जिसमें से 0.5 इंच सिलाई का जाएगा और तैयार नाप 15.5 आ जाएगी। तो अब ऊपर से जो हमारा डार्ट का निशान आया है, सबसे पहले हम आर्म होल का निशान देंगे, वो है 6 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम 6.5 इंच लेंगे और इस तरह से 6.5 इंच पर हम एक निशान डालेंगे। और जो डार्ट है हमारा वो 9.5 इंच पे है, तो 0.5 इंच प्लस करेंगे 10 इंच। 0.5 इंच में हर जगह इसलिए प्लस कर रही हूँ क्योंकि ऊपर सिलाई में 0.5 इंच की मार्जिन जाएगी। तो ये डार्ट का निशान आ गया हमारा। और अब हम इन दोनों निशानों को फिर से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे 4 निशान तैयार आ चुके हैं। ये शोल्डर लाइन, ये चेस्ट लाइन, ये बस पॉइंट की लाइन जहाँ से हमारे डार्ट गिरेंगे, और ये हमारे तैयार नाप है, ये एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्जिन। तो अब हम सबसे पहले ये जो हमारी किनारी है, इधर हमें एक लाइन खींच के मार्जिन ले लेना है
निशान लगाने से पहले ही, क्योंकि ये हिस्सा जो हमारी किनारी है ये सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक मार्क लगा के हम इसे सेपरेट कर देंगे। लगभग 1/4 इंच का निशान है ये। अब जो भी मेजरमेंट लेंगे हम इसके बाद से लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर लाइन लगाएंगे, ये है हमारी 5.5 इंच। तो ये मैंने 5.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। उसके बाद हमारा आर्म होल जो कट होगा वो 6 इंच पे होगा, तो हमने 6 इंच पे एक निशान लगा लिया। उसके बाद जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट है हमारा यहाँ पे 44 इंच तैयार, यानी कि उसे 4 भागों में करेंगे तो हो गया 11। 11 में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो ये हो गया 11.5 इंच तैयार। तो हम 11.5 पर एक मार्क देंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो हमारा ये बस पॉइंट है, तो बस पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे हमें इस मार्जिन से 3.5 इंच पे डार्ट का निशान लेना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा डार्ट का निशान फर्स्ट। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच पे, लगभग 1.5 से 1.25 इंच के बीच में एक हम निशान लेंगे इस तरीके से, और इधर हम 2 इंच पे एक निशान लेंगे इस तरीके से। तो ये 3 डार्ट के निशान हमें मिल गए। चौथा निशान हमारा यहाँ से लगेगा, तो इन दोनों के बीच से लगेगा, लगभग 2.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से। तो ये हमने एक मार्क ले लिया और यहाँ एक क्रॉस का निशान लगा दिया। तो ये हमारे 4 डार्ट के निशान आ गए हैं। अब सबसे पहले हम इन्हें सीधा कर लेते हैं मार्क्स को। सबसे पहले हम ये आर्म होल का जो मेज़र हमने लिया है इसे इस तरह से सीधा करें। उसके बाद ये निशान थोड़े बड़े कर लेते हैं इस तरीके से। और आर्म होल का निशान मिलाने के बाद ये फिटिंग का निशान है, तो यहाँ से हम इस तरीके से सीधा करके इसे भी मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, लगभग 1 इंच। ये सारी चीज़ें मैं आपको ड्राफ्टिंग में बता चुकी हूँ। ये 1 इंच पे मार्क देकर हल्की सी हमें इस तरीके से गोलाई देनी है, ये देखिए। नेक की जो ब्रॉडनेस रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा नेक रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ब्लाउज में मैं 2.5 इंच रख देती हूँ, और ये हमारा 2.5 इंच नेक की ब्रॉडनेस हो गई है। और जो नेक की लेंथ है वो हम यहाँ से नापेंगे इस तरह से तिरछा करके। तो फ्रंट नेक 7.5 इंच तैयार है, तो मैं यहाँ पर 7.5 का 7.25 के आसपास इस तरीके से तिरछा रखकर 7.25 पे एक निशान ले लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर भी हमारा जाएगा। तो ये 7.25 पे हमने एक निशान ले लिया। और जैसा कि मैंने यहाँ पे ये 2.5 इंच लिया था तैयार ना, तो नीचे हम लगभग 2.5 इंच की ब्रॉडनेस देंगे इस तरीके से, और इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। और जो ये निशान हमने 7.25 का लिया है इसे इस तरह से सीधा कर दें। और जो हमें गोलाई देनी है वो आप चाहें तो पहले की तरह यहाँ पे जितना आपको डीप रखना है उतना कम रख सकते हैं। तो मैं लगभग 1/4 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्क दे रही हूँ इस तरीके से। और जो गोलाई है हमारी इसी के अकॉर्डिंग, ये देखिए, ये तैयार हो गया गला। और अब जो हमारे ये डार्ट्स के निशान हैं इन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ ये 3.5 लिया था, तो नीचे भी हम जो हमारा तैयार लेंथ है वहाँ से भी हम 3.5 लेंगे इस तरीके से, और इन दोनों को मिला देंगे। ये देखिए, और जो हमने ये यहाँ ये 2.5 इंच का निशान लिया था इसे भी इस तरीके से हल्का सा तिरछा देते हुए इस तरीके से हमें मिला देना है। और जो ये निशान है इसे भी हम नीचे की तरफ तिरछा देते हुए इस तरीके से ले जाएंगे। और जो ये चौथा निशान था इन दोनों के बीच में, ये हमारा जो हमने ये आर्म होल के लिए लिया था, तो ये निशान हमारा
इस तरफ जाएगा आर्म होल की तरफ, तो इस तरीके से हम इसको इस तरह से मिला देंगे तिरछा। तो ये देखिए एक दो तीन और एक चार, ये चारों डार्ट्स हमारे तैयार हो गए। ये चौड़ाई कितनी रखनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये सिर्फ एक पैर की सिलाई देते हुए, सिर्फ एक पैर की सिलाई देते हुए लाना है और आगे लाकर बिल्कुल पतला करके इसका पॉइंट बना देना है। और जहाँ पर ये निशान है आपको इस तरह से एक मार्क ले लेना है ताकि पता रहे कि ये डार्ट्स यहाँ ख़त्म हो रहा है। इस तरह से क्रॉस भी बना सकते हैं आप, और जो ये निशान है इसे भी आपको इसी तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलना है और डार्ट आगे जाके इस तरह से मिल जाएगी। सेम प्रोसीजर इसके साथ भी रहेगा, एक पैर का मार्जिन और आके आके इसमें मिल जाएगी। और जो ये वाली डार्ट है हमारी, इसको हम लगभग पौना इंची इधर और पौना इंची इधर, मींस डेढ़ इंच की ये प्लीट हमारी जाएगी। टोटल पौना इंच इधर पौना इंच इधर, तो ये डेढ़ इंच की प्लीट तैयार होती है। और इसको भी हम जो हमारा ये डार्ट पॉइंट है ये, तो इसको इस तरह से हम मिला देंगे। ये देखिए, तो ये सारे डार्ट्स के निशान आ चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, निशान सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये जो लास्ट का मार्जिन है ये सीधा कर लेते हैं कपड़ा काट कर इस तरीके से। कटिंग से पहले आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से दो से लगभग दो इंच का मार्जिन दे दें कटिंग का, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मिले, कभी ब्लाउज हमें लूज करना हो तो उसके लिए। तो इस तरीके से आप मार्जिन दे लें और उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे। तो ये वाला पोर्शन कटिंग नहीं करनी है, जो आगे हमने ये मार्जिन दिया था ये एडिटेड रहेगा, ये हमारा सिलाई जब बटन पट्टी लगाएंगे तो उसमें चला जाएगा। और इस तरीके से हम ये नेक सबसे पहले कट कर रहे हैं। शोल्डर मैंने आपको ड्राफ्टिंग में पहले भी बताया है, ब्लाउज में डाउन शोल्डर नहीं देते हैं, सीधा ही रहेगा। उसके बाद ये आर्म होल, और मार्जिन तक हम इसे सीधा ले लेंगे। कटिंग हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही चले, क्योंकि छोटा कट जाने पे आप बड़ा नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा रहेगा, आपको कभी फिटिंग लगानी है छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा आगे का पोर्शन तैयार हो गया है। अब जो हमने ये डार्ट्स लिए हैं, इन डार्ट्स पे हमें एक टक डालना है, जैसे ये वाला डार्ट है इस पर हम इस तरह से डालेंगे। जो हमारा ये फाइनल निशान है मोड़ने का, एक डार्ट हमने, एक कट हमने यहाँ डाला, ये वाले डार्ट जो है आर्म होल का एक कट हमने यहाँ डाला, नेक्स्ट कट जो ये फ्रंट का है डार्ट हमारा एक कट हम यहाँ डालेंगे, और लास्ट है हमारा ये नीचे वाला कट, तो इसे हम इस तरीके से नीचे डालेंगे। और इतना करने के बाद कैची से हमें जो ये डार्ट के पॉइंट्स हैं इस तरीके से निशान डालना है, थोड़ा गहराई में डाल के करना है, ताकि जो पीछे वाला पोर्शन है उस पर ये निशान आ जाए। और ये वाला पोर्शन हमारा इस डार्ट का, और एक पोर्शन हमारा इस वाले डार्ट का। अब मैं आपको पलट के दिखाऊंगी। ये देखिए ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हमें डार्ट पीछे लेने हैं तो इसको हम ऐसे पलटेंगे। अब ये देखिए, ये हमने कैंची से जो लिए थे, ये पहला निशान, ये दूसरा निशान, और ये तीसरा निशान, और यहाँ हमारा ये डार्ट आ जाएगी, और एक ये निशान हमारा आर्म होल वाला। और निशान भी मुझे यहाँ क्लियर दिख रहे हैं, मैं हाथ के हाथ इस पर इस तरीके से, वैसे तो मैंने कट्स लगाए हुए हैं इजीली हो जाएगा, पर सिलाई के टाइम और भी हमें दिक्कत ना हो तो इस तरीके से हम इसे
इन कट से मिला देंगे। ये देखिए हमने जो नॉच दिए थे, कट्स दिए थे, उसकी वजह से कितनी इजीली ये निशान लग गए। तो दोस्तों फ्रंट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस तरीके से। तो अब हम इसको हटाएंगे और जो हमारा ये कपड़ा है बचा हुआ, इसे अब हम इस तरीके से रखेंगे अपनी तरफ, जो फोल्डेड हिस्सा है वो हमारी तरफ आए, और इस तरीके से इसे बिछा कर, ये देखिए जो आगे वाला पोर्शन था बटन पट्टी का वो हमारी तरफ रहेगा, और जो हमें कपड़ा रखना है वो इस तरीके से रखना है कि जो ये हमने एक्स्ट्रा दिया था बटन पट्टी का मार्जिन, वो हटाते हुए लगभग आधा इंच इधर की तरफ इस तरीके से। ये देखिए ये आधा इंच का जो हमने पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा दिया था उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और कपड़ा वेस्ट ना हो तो ऊपर से मैं मिलाते हुए ला रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए और ये पूरा पूरा कंप्लीट है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक का गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से, मुझे लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये गला बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मुड्ढा और गला दोनों के लिए इस तरह से एक मार्क ले लेंगे और धीरे से अपने इस पोर्शन को ऐसे पलटेंगे। और पीछे का गला ब्रॉडनेस आप कितना रखना चाहते हैं, लेंथ कितनी रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे जो तैयार नाप है मेरी 8.25 है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से लूँगी 8.25 का 8.5 लूँगी, आधा इंच ऊपर जाएगा तो तैयार होके सिलाई होने के बाद 8.25 आ जाएगा। तो मैं ये 8.5 पे एक मार्क ले रही हूँ इस तरीके से, और ब्रॉडनेस भी मैं सेम ही रखूँगी जितनी मैंने यहाँ रखी है 3.25, तो नीचे भी मैं 3.25 के आसपास ही रख रही हूँ इस तरीके से। और इन दोनों को ऐसे आपस में हम मिला देंगे। मुझे यहाँ पे सिंपल राउंड नेक ही रखना है, तो मैं राउंड नेक की मार्किंग कर रही हूँ। आप डिपेंड करता है कैसा रखना चाहते हैं, और ये मैंने फ्री हैंड से ऐसे ही कर दिया है। और आप चाहें तो पहले की तरह एक मार्क लेकर यहाँ से इस तरीके से और तब भी कर सकते हैं। तो ये मेरा नेक की मार्किंग हो गई है, तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। और ये देखिए ये गले की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा ये कपड़ा था इसे हम वापस फ्रंट पोर्शन को वापस इस तरह से पलटेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जो हमारा आर्म होल कटा हुआ है इसकी ब्रॉडनेस है वो तो हमें सेम रखनी है इस तरीके से। ये देखिए इसकी ब्रॉडनेस तो हमें सेम रखनी है, पर नीचे से जो गहराई है यहाँ से आधा इंच लगभग छोड़ते हुए इस तरीके से लाके और हम यहाँ मिला देंगे। ये देखिए जो पीछे का बैक पोर्शन का जो मुड्ढा कटता है वो आगे वाले से बढ़ा हुआ होता है, ये यहाँ तक है, पर इससे हमने आधा इंच दूरी पर एक मार्क ले लिया और इस तरीके से हमने ये मुड्ढा निशान लगा दिया, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और बाकी निशान सेम रहेंगे इस तरह से। एक चीज़ और ध्यान देने की है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने आगे की लेंथ रखी है उससे लगभग आधा इंच कम जो पीछे का हमारा पोर्शन होगा, पीछे बैक का जो ब्लाउज पीस है उससे हमें आधा इंच कम पे इस तरह से एक निशान लेना है इस तरीके से, और इसे हम मिला देंगे। जब हम आगे के पोर्शन में प्लीट्स डालते हैं तो उससे आगे का पोर्शन सिकुड़ जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसीलिए हम बैक का पोर्शन थोड़ा सा कम ले रहे हैं ये इस तरीके से। और यहाँ से अब हम इस तरह से आधा इंच कम पर कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया।
अब आता है पीछे के पोर्शन में हम डार्ट कैसे डालें। तो सेम प्रोसीजर, यहाँ पे आप अच्छे से इस तरीके से निशान डालें और आगे का पोर्शन अब हम हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है और ये निशान आ गया है। तो इस पे हम इस तरीके से एक निशान डालेंगे, ये निशान हमें मिल गया। यहाँ से एक इंच ऊपर की तरफ हमें एक निशान बनाना है, एक इंच ऊपर। पीछे की जो प्लीट आती है वो थोड़ी सी लंबी आती है, तो हमें ये एक इंच ऊपर की तरफ एक निशान लेना है इस तरीके से। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब नीचे सेम 3.5 इंच, क्योंकि ऊपर भी हमारा ये 3.5 इंच है। तो यहाँ से अब हम इस तरीके से इसे इस पोर्शन से ना मिला के अब हम ये एक इंच ऊपर वाला जो निशान लिया है वो हमारा पॉइंट हो गया, और कैंची से हम इसे इस तरह से निशान बना देंगे। ये देखिए, ये मार्क लेने के लिए कि बिल्कुल सेम आए, सीधा आए, तो मैं यहाँ एक नॉच डाल रही हूँ इस पोर्शन पर इस तरीके से। और अब हम ये बैक में भी ले लेंगे। ये देखिए, ये पोर्शन, ये हमारा निशान आ गया और ये नॉच आ गया। इस नॉच से हम इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारा बैक का प्लेट आ गया। अब बैक की जो प्लेट है वो लगभग सेम एक एक इंच पर इस तरह से निशान लगा लें, यानी टोटल 2 इंच की प्लेट हो गई। ये देखिए, आपको अगर लगता है तो आप ये 1/4 इंच भी रख सकते हैं, पर मैं फिटिंग के लिए लगभग 1 इंच ही रखती हूँ। तो इस तरीके से इसे इस वाले निशान से मिलाते हुए नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला करते हुए ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा निशान तैयार हो गया बैक का। तो अब हम हमारे ये जो फ्रंट और बैक का निशान है ये पूरा हो चुका है, तो ये हम रख देते हैं इस तरीके से। और अब हमें जो हमारा मेन कपड़ा है उस पर कटिंग करनी है, तो उसके लिए बाजू पे मुझे अस्तर नहीं लगाना है, तो मैं डायरेक्ट इसी पे निशान लगाऊंगी बाजू का। ये देखिए, ये है कपड़ा। तो लेंथ में हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम उतना ही रखेंगे जितनी हमें ज़रूरत है ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग। ये देखिए, कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है तो इसका मार्जिन निकालना पड़ेगा मुझे। ये मैंने बिछा लिया। और अब हम अपना आगे वाला पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। जो खुला वाला हिस्सा है वो खुले वाले की तरफ, ये देखिए, मैंने कपड़े को बिछाकर और उसके ऊपर जो हमने ये अस्तर की कटिंग करी थी इस तरीके से उसे बिछा लिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, जो ये आगे फ्रंट का पोर्शन था, ये मैंने फ्रंट, ये साड़ी को डबल लेयर में बिछाया हुआ है, जो सॉरी ये ब्लाउज़ का जो पीस है इसे मैंने ये डबल लेयर में बिछाया हुआ है यहाँ से। ये देखिए, और जो हमारा कपड़ा था उसे भी हमने इस तरह से इस पे सेट किया है। कपड़ा बहुत कम है इसलिए मुझे बहुत मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है मैंने, बिल्कुल सटा सटा के रखा है। और इधर से ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, इसे हमें एज इट इज़ कट करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से, ये देखिए, इस तरह के कपड़े को हम बिल्कुल अस्तर के जैसे हमने अस्तर कट किया है बिल्कुल वैसे ही कट कर रहे हैं। ये देखिए, और आगे से भी हमें
ये सीधा कर लेती हूँ कपड़ा, थोड़ा तिरछा है इस तरीके से, और यहाँ से मुझे ये गले का कटिंग करनी है, थोड़ा सा मुझे तिरछा करना पड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ से मैं अपना गला कट कर रही हूँ। थोड़ा सा बढ़ा के ही काटा है मैंने कपड़ा, हल्का हल्का सा मार्जिन देके, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये कपड़ा ऐसा है शिफॉन का, थोड़ा घटता बढ़ता है, तो थोड़ा सा मार्जिन देके ही काटा है मैंने। और ये हमारा आगे का पोर्शन कट चुका है, निशान मैंने सारे दिए ही हुए हैं, और जो हमारी सिलाई होगी वो अस्तर की तरफ से होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक नॉच देना मैं भूल गई थी, ये फिटिंग का नॉच है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है। सिलाई होने के बाद हमें ब्लाउज़ को पूरी तरह से फिर से नापना होता है, तब जो हमें ये फिटिंग का निशान है तब हम देते हैं। तो ये देखिए, ये इधर से जुड़ा हुआ है, तो ये मैं काट के अलग कर लूँगी। ये आगे का पोर्शन हमारा कट गया इस तरीके से, मैं इस पर इसी तरह से इसे फोल्ड कर दूंगी। और ये हमने बैक जो पोर्शन था ये भी मैंने इस तरह से इसे सेट किया हुआ है। ये देखिए, ये जो ऑन फोल्ड हिस्सा है ये मैंने साड़ी का जो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है ये मैंने इस तरह से ऑन फोल्ड रखा हुआ है, और एज से एज मिलाते हुए इस तरीके से, और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सेम कटिंग करनी है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कर रही हूँ इस तरीके से। शोल्डर, आर्म होल, हल्का सा बढ़ाते हुए ही, एक पॉइंट मार्जिन बढ़ाते हुए ही कपड़ा कट करें, और अब हम ये नीचे वाला पोर्शन काट के अलग कर देंगे। आप देखिए, बिल्कुल कपड़ा बचा नहीं है, सिर्फ स्लीव्स लाइक बचा है, और शायद मुझे स्लीव्स में भी जोड़ देना पड़ेगा। ये हमारा बैक पोर्शन कट चुका है, तो अब हम इसे इसी तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। अब बाजू की कटिंग रहती है, तो ये देखिए दोस्तों, ये इसमें किनारी दी हुई है, तो ये मैं किनारी अपने नीचे बॉर्डर के तौर पे लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे चार फोल्ड किया इस तरह से, और जैसा मैंने आपसे कहा था कपड़ा कम है, मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा, तो मैं आपको वो भी तरीका बता दूँगी कैसे जोड़ लगाएं। ये देखिए, मैंने इसे चार फोल्ड में कर लिया है, और इस तरीके से कपड़ा बहुत तिरछा है। ये देखिए, इस तरीके से रख लेती हूँ मैं, ये देखिए। अब जो हमें बाजू का नाप लेना है वो है, स्लीव्स की लेंथ है 5.5, इसमें हमें नीचे कुछ भी नहीं करना है, बॉर्डर तैयार है, तो 5.5 का 6 इंच रख लेंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए। नीचे मार्जिन हमें मुझे नहीं रखना है, अगर आपको स्लीव्स फोल्ड करनी है तो वापस से 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखें। तो 5.5 तैयार है, मैं 6 रख रही हूँ, आप 7.5 रखें। तो यहाँ से मैं ये 6 इंच पे एक निशान लूँगी, इस तरीके से, और 6 इंच के बाद 3.5 पर एक मार्क और लेंगे इस तरीके से, और ये जो मार्क है ये 3.5 इंच वाला, उसे मैं इस तरीके से सीधा कर लूँगी इस तरीके से, अब ये मार्क हमें मिल गया है। तो मैं इस पहले कपड़ा देखती हूँ कपड़ा कितना कम है, तो उस हिसाब से मुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा। ये है
टोटल ही 7.5 है, और जबकि जो मुझे ये आर्म होल की जो डेप्थ रखनी है ये ही 7 इंच रखनी है, तो इट मीन्स इसमें स्टिचिंग के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से करूँगी, इसको मैं ऐसे कर लूँगी कपड़े को हल्का सा। अब इसकी ब्रॉडनेस लगभग 9 इंच हो गई है, एनफ है मेरे लिए ये। और जो ये कपड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पर, मैं ये इसे पहले सीधा कर लेती हूँ, बाद में हम इसमें जोड़ लगा देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए। ये देखिए मैंने कपड़े को काट के सीधा कर लिया है, और मैंने एक पिन भी लगा दी है। कपड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा था तो अब मुझे कटिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 6 इंच पे एक निशान लेंगे इस तरीके से, और फिर 3.5 पे एक निशान, ये मैंने लगा ही रखा है। और इस तरीके से इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमारा तैयार आर्म होल था वो था 8 इंच, तो 8 इंच का मतलब हो गया हमें यहाँ एक 8 इंच पे मार्क देना है। 8 से 1 पॉइंट ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज़ है, तो 8 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। मैंने ये एक निशान ले लिया, ये देखिए, तो जो ये 6 इंच पे हमने निशान लिया था यहाँ से हमें गोलाई में लाते हुए इसको कर्व के साथ हल्का सा कर्व देते हुए इस तरीके से इसे मिला देना है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे गोलाई देते हुए लाए और इसको नीचे की तरफ कर देते हुए इस नए निशान से हमें मिला देना है। तो ये हमारे बाजू की कटिंग तैयार है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। पहले हम इस निशान पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ मिडल पे हमें निशान देना है मिडल का, इस तरीके से एक नॉच दे दिया। उसके बाद ये जो कपड़ा कम है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो कपड़े को सीधा करके इस तरीके से रखें और बाजू को उठा के मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से, आधा इंच ओवरलैप करते हुए, क्योंकि मुझे सिलाई देनी है तो सिलाई का निशान देखते हुए आधा इंच ओवरलैप करते हुए इस तरीके से मुझे ये स्लीव्स इसके ऊपर रखनी है। ये देखिए, और इस तरीके से मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही काट रही हूँ सिलाई, ताकि दिक्कत ना हो। नीचे से मुझे पाइपिंग देनी पड़ेगी इसमें रेड कलर की, क्योंकि इस कपड़ा बचा नहीं है तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। और इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे, ये देखिए। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा चाहिए था वो ये हमने कट कर लिया है। अब ये पिन हटाती हूँ और ये पोर्शन, ये देखिए इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसे खोलेंगे, ये देखिए, और जो हमारा ये मेडल वाला निशान है यहाँ से हमें एक बाजू पे आगे वाले पोर्शन में हल्का सा आधा इंच का लगभग गहराई देते हुए शेप देना है इस तरीके से। और इस तरीके से हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये देखिए लगभग आधा इंच पे मैंने इसको गहराई दे दी है, ये देखिए, और वापस से इसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी गहराई वाली स्लीव्स कटिंग हो गई, और जब हम ये जोड़ लगाएंगे तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा, ये देखिए ये गहराई हो गई और ये पीस इसमें अटैच हो जाएंगे, ये पीछे का हो गया। तो ये स्लीव्स हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये अलग कर देती हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको कोशिश करी है पूरे डिटेल में बताने की कि कैसे आप अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग करें बहुत इजीली, और हो सकता है फ्यूचर में मैं आपको स्टिच करना भी बताऊं कि कैसे आप एक
अस्तर वाले ब्लाउज को स्टिच करें। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बहुत जल्द ही आपको ये अपलोड करूँगी वीडियो, ताकि आपको सिलाई करना भी ईजी हो जाए। तो बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा बताया हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो अपलोड करती रहूं और मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं जो बता रही हूं आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ में जो बेल आइकन है आप उस पर भी क्लिक करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी हो सके। तो बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।